उनको ये खौफ है या डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करना। दर ब्रिक्स की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया। बट द क्वेश्चन रिमेंस, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने। और ऐसा क्यों? और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का, हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर। शंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान को एक इनविटेशन तक नहीं मिला है। कई लोग सोचे थे इनविटेशन मिल जाएगा, ऑब्जर्वर स्टेटस में आ जाएगा, पार्टनर कंट्री के अंदर आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को तो इनवाइट नहीं करा, पाकिस्तान का एक टट्टू भी कजान में नहीं दिखा। क्यों नहीं बुलाया, गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, भेज दो, आपने अप्लाई भी कर दिया, साइड पे खड़े हो जाना। अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? जाहिर बात है ये कंट्रीज मिलके डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब ये कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है इस टाइम पाकिस्तान, तो हम भी अगर हिस्सा होंगे हम भी कहीं ना कहीं फायदा। देखिए जी, पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपनी रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए, लेकिन उधर से जो है ना वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं ना का जवाब देते हैं, यानी कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का, हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। ठीक है, तो जैसे तुर्की हेल्प ले रहा है, जैसे ईरान जो उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान की हेल्प ले रहे हैं, तो वो बेचारे उधर पहुंच भी गए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अखबारात में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, अनकरीब वो हमारी बात मान भी लेंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साथ देगा उसके बीच में, ये पाकिस्तान के अखबारात बता रहे हैं। लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा, कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। और इवन हमने तो दोस्ती का ये रिसेंटली एससीओ की मीटिंग में मौका गवा दिया, इवन दोस्ती को मतलब एक ये भी देखिए, डॉक्टर जयशंकर बड़े पढ़े लिखे और बड़े जीनियस इंसान थे, आप उनसे बात छेड़ने की कोशिश तो करते, उनके तरीके से बात तो करते, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाता और हिंदुस्तान से अगर आपके तल्लुकात बेहतर होते तो आप इस मीटिंग के मेंबर बनते और बहुत सी मीटिंग है। तौर पे चले जाते और फिर आगे आने वाले टाइम में चले मीटिंग तो अटेंड कर लेते ना कम से कम, ये आपको पता होता इस मीटिंग में क्या हो रहा, जितनी कंट्रीज आई उन्हें भी उनकी भी नजरें होती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इधर आए हुए हैं, तो उधर मुलाकातें होती हैं, बहुत सी बातें हो सकती है। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए दुनिया के 36 ममालिक जो है वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट, जिन्होंने अप्लाई किया वी वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुटिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है या डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना, अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप, द टू पीपल हु आर ऑन हिज राइट एंड लेफ्ट, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी and its president Xi Jinping, dono are rival at to this date, is waqt china ki aur bharat ki thani hui hai aapas mein, wo jaise kehte hai na there is still a situation with no there, where there is where the trust is yet to be gained,
ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्माद आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल म्यूजिक का कोई छो रहा था, गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वाशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वाशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद द पुतिन एंड शी जिनपिंग, वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। आपको क्या लगता है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। वो जो हमारे काम चल रहे हैं वो हमारे वो रुकवा देते हैं, तो कैसे हमें मतलब कहेंगे कि पाकिस्तान आगे आए और इस तरह से उनके बराबर में खड़े होके कोई मीटिंग अटेंड करे। कौन से काम रुकवाए उन्होंने हमारे? ज्यादा, लेकिन ये है कि शुरू से जैसे उनका पार्टीशन के टाइम से हमारे जैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं, तो इस तरह अच्छे नहीं रहे वो, बहुत ज़्यादा ही ख़राब ताल्लुकात हमारे सबसे ज़्यादा ही इंडिया के साथ रहे हैं, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि कभी वो इस तरह से सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, और आगे भी कोई उनका नहीं लगता कि वो करेंगे। लेकिन उनका मतलब निकल रहा होगा हमसे, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये तो बाद में ही पता चलेगा जब खुल के आएगा। आपको लगता है हम उस पोजीशन में हैं कि हमसे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल, आपको नहीं लगता हम इस पोजीशन में हैं? मुझे तो नहीं लगता। वैसे हमारे जिस तरह से मतलब सारे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपको नहीं लगता कि कोई कब्जा कर सकता है इस मुल्क में अभी? कब्जा, कब्जे की बात अलग है, बाकी चीज़ों की बात कर रही थी। नहीं, आप देखें ना, इस तरह से भी तो हो सकता ना। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आप देखें, सब आपस में लड़ रहे हैं, ज़रा कोई केस सॉल्व नहीं होता और बस उसको दबा दिया जाता है हर तरह से। तो अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है? हो सकता है, यू नेवर नो। 75 साल हो गए, अभी तक किया क्यों नहीं फिर अगर करना चाहते हैं तो? 75 साल सब हालात देख लें आपके क्या हो गए। आपको क्या लगता है? क्या, मुझे तो कोई नो कमेंट, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मतलब। रिसेंटली ना इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत अहम मीटिंग हुई है, एससीओ मीटिंग, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर आए और बहुत सालों बाद आए हैं। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की नफरतें बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसी में वो पाकिस्तान आए थे, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो हमारी ब्रिक्स के अंदर मदद करते हैं जैसे कि हमारा मीडिया बताता है, और अगर हम मेंबर बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि हम किसी तो इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे? हाँ, ये तो फिर अच्छा है कि अगर वो इस तरह से सपोर्ट करके पाकिस्तान को आगे लाते हैं और पाकिस्तान खुद भी अपनी मेहनत करता है। वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज की मदद कर रहे हैं, हमारी क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है कर ले, लेकिन पाकिस्तान से कोई खास मसला भी तो हो सकता है। कैसा, कौन सा ऐसा खास मसला है जो पाकिस्तान के अंदर ही है, ना तो अफगानिस्तान के अंदर? कहते हैं कि इम्पोर्टेंट एक चीज है जिसके हवाले से बात करनी है, और वो है जी ब्रिक्स समिट इन रशिया। कजान सिटी है, वहाँ पे ये समिट हो रही है और दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पर मौजूद है। 36 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही, जिसमें से 22 कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये परमानेंट मेंबर है, और बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज ये कोशिश कर रही है कि ये उस ग्रुप का हिस्सा बने, यानी ब्रिक्स का हिस्सा बने। उसके लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीस की बात कर रहे हैं इन यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। लेकिन एक जिस चीज को कहा जाता है कि ईरान के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका इजराइल के साथ मसला चल रहा है, एक जिसे कहते हैं कि वाकई में अगर देखा जाए तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे जन्म ले रहा है। वेस्ट भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इन सारी एक्टिविटीज को। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे? मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है, और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा,
टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। ईस्ट के अंदर जो है जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकॉनमी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के हालात ख़राब थे लेकिन अब बेहतर हो रहे हैं। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक होने जा रहे हैं। वो कैसे होने जा रहे हैं? मेरे पास खबर है, मैं आपको खबर दूंगा। रूस ने क्या किया है दोस्तों? ब्रिक्स समिट हुआ है। अच्छा, ये ब्रिक्स क्या है बेसिकली? ब्राज़ील रशिया, इंडिया और मतलब चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ममालिक थे शुरू के, ब्रिक्स बनता है इसका। इन्होंने ये कहा कि जनाब हम डॉलर पर इन्हसार छोड़ते हैं, हम अपनी करेंसी बनाते हैं, या हम यूं करेंगे जो आपसी जो ट्रेड है उसको हम अपनी नेशनल करेंसीज में करेंगे। ये तंजीम बनी कुछ साल पहले। हुआ ये कि ये तंजीम इतनी कामयाब हुई कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक ने भी इसमें आना शुरू कर दिया। इंडिया ने रिक्वेस्ट की, इंडिया को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद दीगर ममालिक भी आना शुरू हो गए इसमें। सऊदी अरब इसका हिस्सा बन गया, यूएई इसका हिस्सा बन गया, अच्छा अब इजिप्ट इसका हिस्सा है। अब नाज़रीन ये हुआ है कि ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स का इजलास होता है, पूरी दुनिया कह रही थी कि यूक्रेन वॉर की वजह से सदर पुतिन अकेला रह गया। आपके सामने कुछ वीडियोस मैं लेकर आता हूं, आप देखिएगा कि सदर पुतिन के साथ कौन कौन है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, यहाँ पे इजिप्ट के सिसी खड़े हैं, यूएई के जो है वो शेख वो मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, चाइना मौजूद है। सदर पुतिन ने सिफारती सतह में बता दिया है कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इधर मेरे पास खड़ी हैं। अमेरिका अकेला है, ब्रिटेन अब सुपर पावर के दर्जे से बहुत दूर है। अमेरिका वह सुपर पावर है लेकिन वो अकेला है, अकेला सुपर पावर कुछ नहीं कर सकता। चाइना सुपर पावर, रूस सुपर पावर। आज की ये खबर है, और अल्लाह भला कर ये खबर भी किसने दी है, हाँ ये खबर बाकायदा सीएनएन पे रिपोर्ट हुई है कि रूस दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया, ईरान, फिर यहाँ से ब्राज़ील, ये सब मुल्क एक हो गए और इन सब ने फैसला कर लिया है कि अब हम डॉलर में किसी भी किस्म की तिजारत, किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर डॉलर गिर जाता है ना नाज़रीन, तो याद रखिएगा अमेरिका के पल्ले कुछ भी नहीं है, अमेरिका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इसराइल को। तो ये होगी डिप्लोमेटिक फतह। और दूसरा, मैं आपको बता चुका हूँ कि हिजबुल्ला ने आज किस किस्म के, किस तरह से झंडे गाड़े हैं, क्या कमाल झंडे गाड़े हैं। अच्छा, एबीपी न्यूज़, ये इंडिया का एक क्वेश्चन रिमेंस कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इन्वाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इन्वाइट नहीं किया, ठीक है ना जी, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो GDP है दैट इज 35.6%, G7 की जो GDP है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है, उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये सड़ना की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू टॉक टू यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड इन द वेस्ट, यू टॉक टू एनी डिप्लोमेट, यू टॉक टू एनी पॉलिटिशियन, यू टॉक टू एनी मीडिया पर्सन अब्रॉड, and they say that we don't understand India क्या। अगर आप देखें ब्रिक्स के हवाले से, तो जो पाकिस्तान है वो ऑफकोर्स इसका हिस्सा बनना चाहता है, और इसलिए जब इसकी पिछले साल भी एक्सपेंशन शुरू हुई, कई नए ममालिक शामिल हुए, तो फिर पाकिस्तान ने इसमें दरख्वास्त दी। फैसले इसमें कंसेंसस के साथ किए जाते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तमाम के दरमियान इत्तफाक राय होना चाहिए, तभी जो इसकी रुकनीत है कोई मुल्क हासिल कर सकता है। जो रूस जब इसकी नुमाइंदगी, ऑफकोर्स जब उसके पास सदारत है, उसकी मेज़बानी कर रहा है, और अगर आप देखें कि रूस के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने विज़िट किया,
और उसमें उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया, रादर पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की कोशिश है उसको इन्होंने इंडोर्स किया और सपोर्ट किया और कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। चीन पहले ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने, तो रूस की हिमायत के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद जो काजान में ये समिट हो रहा है तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के सिफारती ज़राए से बात हुई है तो कम अज़ कम इस समिट में पाकिस्तान को रुकन या इसकी रुकनीत मिलने का कोई इम्कान नहीं है, ना ही जो पाकिस्तान की रुकनीत है या किसी और मुल्क की इस वक्त एजेंडे में शामिल है। ये दफ्तर खारजा के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि जो खबरें वैसे चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान की रुकनीत हो जाएगी और पाकिस्तान के हवाले से फैसला किया जाएगा। तो ज़राए ने मुझे यही बताया कि आम तौर पर इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं तो वर्किंग लेवल के ऊपर पहले ही होमवर्क कर लिया जाता है और जो समिट के ऊपर जब डिसीजंस होते हैं तो उसको जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ स्टैम्प करते हैं। तो उसके हवाले से जो मेरी ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तान के हवाले से अभी तक कोई बड़ा फैसला हुआ नहीं है, ग्राउंड के ऊपर होमवर्क नहीं हुआ। और वैसे भी जो फैसला है, क्योंकि पिछले साल इसकी एक्सपेंशन की गई थी, मज़ीद 5 मुल्क शामिल हुए थे, तो फर्दर इसकी कब एक्सपेंशन होनी है इसके बारे में अभी ब्रिक्स ने जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने फैसला नहीं किया, ये ज़राए का बताना था पाकिस्तानी। तो इसलिए जो काजान में 22 से लेकर 24 तक ये ब्रिक्स समिट हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान की रुकनीत के हवाले से ना तो उसको टेकअप किया जा रहा है ना अभी उसमें कोई फैसला मुतवक्के है। और उसकी वजह यह है कि ये फैसला तभी होगा जब तमाम ममालिक में एक इत्तफाक़ राय होगा। बाकी ममालिक तो शायद, मेरा ख्याल में जैसे मैंने कहा कि चीन रूस, वो तो पाकिस्तान की हिमायत कर ही रहे हैं, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को भी में भी इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक मुल्क ऑफ कोर्स जिसकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है वो भारत है, और भारत ऑब्वियसली इतनी आसानी से पाकिस्तान के हक में शायद वोट नहीं देगा। शायद इसी वजह से अभी इस पर कोई पेशरफ्त मुतवक्के नहीं है। और पाकिस्तान को इसमें दावत भी नहीं दी गई। आमतौर पर ये ब्रिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फोरम बनता जा रहा है और उसमें ना सिर्फ जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो तो शामिल हैं ही हैं, बल्कि अदरवाइज भी दावत दी जाती है जो भी होस्ट कंट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें इवन एज एन ऑब्जर्वर या वैसे दावत नहीं दी गई। ये भी ज़राए ने इसकी तस्दीक की है। तो इसलिए लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो मुस्तकबिल में हो नहीं सकती, क्योंकि यकीनी तौर पर रूस और चीन क्योंकि इसको एक नए ब्लॉक के तौर पर देखते हैं, वो चाहते हैं कि ये तरक्की पज़ीर ममालिक का ये जो ग्रुप है इसमें ऑब्वियसली एक वसत आए और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो शामिल हों। मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए, लेकिन कम अज़ कम ये जो समिट हो रहा है इसमें पाकिस्तान के हवाले से या किसी और मुल्क के हवाले से कोई फैसला नहीं हो रहा।